जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले पूरे देश में रामनवमी मनाई गई, क्योंकि रामनवमी एक हिंदू मजहब का त्यौहार है। लेकिन हम लोग ने देखा है कि रामनवमी के त्यौहार को आरएसएस ने किस तरह एक नया मोड़ दिया है। पूरे देश में आरएसएस ने रामनवमी के त्यौहार के आड़ में एक नफरत फैलाई है और एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। जैसा कि हमने देखा है मुल्क के बहुत सारे रियासतों में, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, फसाद हुई है। वहाँ पर एक प्री प्लान फसाद किया गया है, एक अलग से ट्रेन चलाया गया है। पहले वहाँ के जो यात्रा के लोग हैं, जो रामनवमी में आते हैं, वो लोग एक मस्जिद में के सामने जाते हैं या फिर मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर जाकर एतराज़ आमिल नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर गाने बजाए जाते हैं। उसके बाद बहुत खतरनाक किस्म के हथियार की नुमाइश की जाती है और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फसाद किया जाता है। फसाद भी इस तरीके से किया जाता है कि एक टारगेट करके मुस्लिम इलाकों को, मुस्लिम दुकानों को, मुस्लिम घरों को टारगेट कर वो घरों को जलाया जाता है, वो घरों को नुकसान किया जाता है। लेकिन वहाँ की पुलिस इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती है, इनके खिलाफ़ कोई अलग से लीगल एक्शन नहीं ली जाती है। ऐसा लगता है कि पुलिस भी हिंदुत्व का साथ दे रही है। जब हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब ये फसाद हुआ है, पुलिस ने वहाँ पर जो मजलूम लोग थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की, उनको मुजरिम बनाया गया है। हमने ये भी देखा है कि राजस्थान में जब करौली में एक फसाद हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में रैली घुसी, वहाँ पर अलग अलग किस्म से एतराज़ किस्म के नारे लगाए गए, गाने बजाए गए और वहाँ पर फसाद किया गया। तो वहाँ पर जो मुस्लिम इलाका था वहाँ की दुकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया और वहाँ को जलाया गया, जबकि हमने देखा कि बाजू जो दुकानें थी गैर मुस्लिम दुकानें थी, हिंदुओं की दुकानें थी, उनकी दुकानें एकदम महफूज रह गई। तो ये यहाँ पर एक और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज इस देश की जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टीज़ है, वो सेकुलर पार्टीज़ इतने फिसाद के लिए खामोश बैठी हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेकुलर पार्टीज़ आज क्यों खामोश बैठी है, चुप्पी क्यों साधी बैठी है। ऐसा लग रहा है कि इनकी चुप्पी, इनकी खामोशी शायद ये फसाद को तायद कर रहे हैं, फसाद की साथ दे रहे हैं। हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इस जितने जगह पर फसाद हुआ है, ये तमाम फसाद की एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसको एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसकी पूरी मालूमात, इसकी सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने ले जाए और ये जो जितने फसाद हो रहे हैं, आरएसएस का गलत नफरत हमें फैलाने वाला एक काम है, उसको काम को रोका जाए। ये राज ठाकरे का जो महाराष्ट्र का बयान आया कि 46वां पुलिस बजाओ और अजहर को लेकर लाउड स्पीकर को लेकर उन विरोध किया, इस पर सब खामोश है, इस पर क्यों, क्या कहना है आपका? मैं अभी तो वही तो कह रहा हूँ आपको, जो सेकुलर पार्टियाँ हैं ये सब अपने अपने जगह पर खामोश है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी हिंदुत्व और आरएसएस का साथ दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो राज ठाकरे साहब आए हैं, एक नए आवाज़ आई है, एक रिटायर हो गए हैं राज ठाकरे, पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट होने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स में वापस कैसे आएँ। हमें उसके खिलाफ अभी एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं, इंशाल्लाह जब भी लीगल एक्शन लेंगे आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। चिकन मंदी, मटन मंदी, अरबियन डिशेस, चाइनीज डिशेस, तुर्कीस डिशेस, स्पेशल ज़ाफ़रान दम बिरयानी, बकरा हलीम अवामुल नास के लिए दस्तियाब है। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कशीदा खूबसूरत नशिस्तों का अहतमाम किया गया है। अलबुराक रेस्टोरेंट, डी के कॉम्प्लेक्स, देगलुना का नांदेड़। हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म, केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।